1999. What a victory for the Geelongians. A fantastic been largely responsible for our goal of the first World Cup. That is a thrill of joy. And England. Hello to everyone, another exciting episode of Match Point by Dr. Adnan. Dr. Delishi with me. Global T20 Canada, the first ever of its own kind in the full swing. And right now, we are on the rest day and a one superstar with us with a Global T20. So who is the star? It's a very special show. We are bringing a special shows for our viewers. So, आज का स्पेशल शो बहुत ज़्यादा स्पेशल हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी सुपरस्टार मौजूद है। पाकिस्तानी सुपरस्टार जो है हमारे साथ मौजूद है। लाहौर लायंस, लाहौर कलंदर, लाहौर शालेमार, लाहौर ब्लू, लाहौर की कोई भी टीम नहीं छड़ी जिसमें ये ना खेले हों, भाई लाहौर लाहौर है। दैट्स वाई आई आस्क्ड हिम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। 45 मैचेस, तकरीबन 2500 रन जिन्होंने बना रखे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 13 इनकी 50s हैं, 500 हैं एट द अमेजिंग एवरेज ऑफ 54.66। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अगर आपने देखे हों, PSL 3 व्हेन इट वाज इन द फुल स्विंग, ही मेड कराची किंग्स लॉस्ट द मैच। ऑल्दो कि इनकी टीम जो है इतना शाइन नहीं कर सकी, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन्होंने एक नहीं दो दो मरतबा दिखाई, लेकिन एक मरतबा बदकिस्मती से जो है सुपर ओवर तक बात पहुँच गई, तो वहाँ पर लाहौर कलंदर को जो है वो सुपर कलंदर में जो है दे लॉस्ट द मैच। ओवर प्रेस्टिजियस गेस्ट टुडे आगा सुल्मान फ्रॉम लाहौर कलंदर एंड ही इज हियर राइट नाउ इन द ग्लोबल T20 इन कनाडा। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो आपसे हम पूछेंगे वेलकम टू कनाडा, सबसे पहले कहेंगे वेलकम टू कनाडा, और सब फर्स्ट एवर लीग हो रही है T20 कनाडा में, और सबसे पहले आप ये बताएं कि व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट दिस लीग, T20 लीग, आई मीन व्हाट्स इट्स फ्यूचर? आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर फर्स्ट लाइक डोमेस्टिक प्लेयर हियर, लोकल प्लेयर्स एंड देन प्लेयर्स लाइक मी एंड देन स्टार्स। सो इट्स बीन ऑलवेज ग्रेट टू कम इन अ न्यू कंट्री एंड प्ले, सो इट्स अ ग्रेट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू एंड आई होप इट विल ग्रो अप इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। नहीं ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कोई डिफरेंस फील होता है जैसे इफ़ यू आर प्लेइंग बैक इन होम या इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर में खेलते हैं, तो उसमें डिफरेंस फील हुआ कि नॉर्थ अमेरिका में आकर एकदम से वो क्रिकेट एटमॉस्फेयर आपका चेंज हुआ या इट्स द सेम? पैशन तो सेम ही यहाँ पर, क्योंकि आकर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका क्रिकेट यहाँ पर इतनी यानी कि उतनी बड़ी नहीं है जितने हमारी कंट्रीज़ में या इंग्लैंड में रहती है। Exactly. लेकिन यहाँ पर आकर पैशन तो सेम है, लोगों का क्रेज़ और लोग चाहते हैं यहाँ पे क्रिकेट, और एट द सेम टाइम कंडीशन ये है कि यहाँ पर इंग्लैंड से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और वेदर सरप्राइजिंगली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, जब मैं यहाँ आ रहा था मैं सर्दी वाला एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर आया हूँ तो गर्मी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू से सेम पाकिस्तान जैसा वेदर है, लेकिन उससे ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, तो मेरे लिए तो यानी कंडीशन को अडॉप्ट करना इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि इतनी सर्दी वगैरह तो यहाँ थी नहीं, और मौसम एग्जैक्टली पाकिस्तान जैसा तो नहीं लेकिन सेम पाकिस्तान जैसा तो था, तो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट टूर्नामेंट एंड आई एम लाइक हैविंग अ गुड टाइम हियर। वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट। अच्छा आगा साहब, 1350s और 500s विद अ 155 हाईएस्ट एवरेज ऑफ अबव 55, चांसेस क्या हैं पाकिस्तान कैप के एंड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि ड्रीम है हर खिलाड़ी का जो पाकिस्तान से खेलता है फॉर द पाकिस्तान कैप, तो वहाँ आपका विजन क्या है फ्यूचर PSL के अंदर आपका पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चांसेस में, वेयर यू सी योरसेल्फ इन द कमिंग इयर्स? टू बी ऑनेस्ट, मैं पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंस मेरी बड़ी अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम रेडी फॉर पाकिस्तान टीम, सो इट्स अप टू सेलेक्टर्स व्हेनेवर दे पिक मी,
I am totally ready for the Pakistan team, so it's up to them now. Yes. अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप मुझे लाहौर कलंदर के हवाले से बताएं कि लाहौर कलंदर जो है, हमने देखा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस, क्रिस गेल भी वहाँ पर आए पहले सीज़न में, फ़खर जमान वहाँ खेलते हैं, बैस मैकलम जो दुनिया की किसी क्रिकेट ग्राउंड को नहीं छोड़ते, किसी पिच को नहीं छोड़ते, लेकिन यूं ही वो बल्ला पड़ते हैं, जर्सी पहनते हैं लाहौर कलंदर की, क्या ऐसा जादू हो जाता है? ये मंत्रा क्या है? क्या वो डीनो की जो रेड बुक है वो राणा साहब को दी जाए? क्या किया जाए ऐसा कि वो जो है लाहौर कलंदर, यानी कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको देख लें, बाकी प्लेयर्स देख लें, सुनील नारायण लीडिंग प्लेयर्स इन द CPL, लेकिन जो ही वो लाहौर फ्लैग के अंडर जमा होते हैं तो कुछ उनका विनिंग कॉम्बो जो है नहीं बन पाता. वेयर डू यू बिलीव दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल? आई थिंक बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो तो पूरी टीम में जो आप कह सकते हैं कि आप यू जस्ट नेम इट, तो यानी कि इतने प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि अनदर डे T20 तो आपको इंडिविजुअल एक मैच जीतवा सकते हैं दो. सो इफ़ यू वांट टू लाइक अगर आपने सब यानी कि टूर्नामेंट जीतना है ना, उसके लिए आपको एज ए टीम वर्क करना पड़ता है. तो आई थिंक हम लोगों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो आती रहती थी, लेकिन जो एज ए टीम परफॉर्मेंस थी ना ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स में, आई थिंक दैट वाज मिसिंग. वो क्लिक नहीं हो रही. Yeah, that was missing. तो आकिब जावेद समेत जो दूसरे जो कोचेज हैं आपके जो साथ होते हैं, उनका क्या ख्याल है, उनका विजन क्या होता है? डबल को वापस जाते थे ड्रेसिंग रूम में जो मीटिंग होती थी, तो व्हाट दे वर थिंकिंग, क्योंकि उनकी भी बातचीत होती होगी, डांट डपट होती होगी, आपस में भी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, उन्होंने ये नहीं किया, तो वेयर दे बिलीव डू बिलीव कोचेज एंड इंक्लूडिंग आकिब जावेद और जो थिंक टैंक्स हैं, एजाज अहमद भी इसमें थे एक सीजन के अंदर, तो वेयर दे थिंक कि थिंग्स आर नॉट गोइंग, आई मीन उन्होंने क्या बताया कि क्या होना चाहिए कि लाहौर कलंदर बेहतर हो जाएगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको आकिब भाई की एक बात बताना चाहूँगा कि हम इतना हारे हैं पिछले दो साल से, तीन साल से लाहौर के अंदर, कि एनी वन गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट उनकी मे भी वो फ्रस्ट्रेट होते हों, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो ग्राउंड में या किसी प्लेयर पर मैंने नहीं देखी कि उन्होंने दिखाई हो. वेरी नाइस. तो आई थिंक दैट्स द प्लस पॉइंट अबाउट हिम. सो एज अ कोच आई ऑलरेडी लाइक हिम एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ही इज़ वर्किंग हार्ड. He's working hard for the next year, next PSL, and he's been working hard for the full last 2 years as well. और चीज़ें work नहीं कर रही, so he knows that, and because I know him like very well in last years now, so मैंने देखा उनको कि he's working very hard. So I really hope, and I am hoping to be honest, that next year things will work and we will do. लाहौर कलंदर की टीम. अच्छा, आगा सलमान से हम ये पूछेंगे, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि बड़ी फरमाइश थी, कई लोग जानना चाहते थे आगा सलमान के बारे में, और हमने प्रॉमिस किया था कि आपको मैच पॉइंट पे आगा सलमान से मुलाकात कराएंगे. आगा साहब, क्रिकेट का शौक कैसे पड़ा लाहौर में? आप ये कैसे क्रिकेट शुरू कैसे किया आपने? सर ये मुझे सवाल यानी कि जब भी होता है ना तो मुझे याद ही नहीं है कब से क्रिकेट का शौक पड़ा. मेरे ख्याल से मैं पैदा ही इसी शौक के साथ हुआ था, तो मुझे ये याद नहीं है कि मुझे कब से शौक पड़ा कि मुझे क्रिकेटर बनना है, क्योंकि जब जैसे जितना मुझे याद पड़ता है अपने चाइल्डहुड में या यानी कि बड़ा होकर, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर. सो आई कांट रिमेंबर. जब आपने गेम शुरू की, ऑब्वियसली टेप बॉल से शुरू की होगी, मोहल्ले में की होगी, तो व्हाट यू वर फोकसिंग एट दैट टाइम, एज अ बॉलर और एज अ बैट्समैन या ऑलराउंडर? इट्स फनी कि मैंने अपना जो मैं बैट्समैन और फास्ट बॉलर था, सो अपना करियर इस तरह स्टार्ट किया था. स्टीव स्मिथ की तरह ट्रांजिशन लेना चाह रहे हैं आप? हमारे एक क्लब में मलिक सरवर साहब है, पालो क्लब से मैं खेलता हूँ, तो वहाँ पे उनके जो कोच है मलिक सरवर साहब, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ऑफ स्पिन किया करो. और हमारे क्लब में फिर एक नवीद भाई थे, वो भी खुद ऑफ स्पिनर थे, तो वो रिटायर हो रहे थे, तो ही सेड कि मैं तुम्हें रेडी करूँगा, यू विल बॉल ऑफ स्पिन एंड बैट्समैन. सो आई ऑलवेज अ बैट्समैन, बट मैं फास्ट बॉलिंग साथ करता था, पर दीज टू हु मेक मी टू लाइक बॉल ऑफ स्पिन. तो फिर आपने फोकस किया और आपको पता लग गया कि अब वेयर यू आर, ये आपको ये कितना साल लगा पता चलने में कि वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ लाइंग इन द इंटरनेशनल क्रिकेट? द थिंग इज मैं आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी. सो वो इतना स्किनी था कि फास्ट बॉलिंग तो कर ही नहीं पाता था, तो वो बोलते थे कि यार तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम स्पिन किया करो तो वो कर लोगे. तो वो उधर से फिर स्टार्ट किया, स्पिन बॉलिंग करनी शुरू की पहले मैचेज में, उसके बाद फिर स्लोली फिर यानी कि ऑफ स्पिन शुरू कर दी. इंटरनेशनल अभी तो जैसे मैंने एज़ सेड कि आई एम रेडी फॉर इंटरनेशनल. सो एंड इट रेस्ट अप टू सेलेक्टर्स, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल. अच्छा, जिन लड़कों के साथ आप खेलते रहे मोहल्ले में क्रिकेट और जो क्लब्स वगैरह में, तो उनकी अब आपके बारे में क्या राय है? आपकी मुलाकात होती है उनसे? वो खुश होते होंगे? मैं सबसे मिलता हूँ. मैं यानी कि जैसे मैं कभी उनके साथ ऐसे गया ही नहीं कि मैं यानी कि PSL खेल गया हूँ या CPL खेल गया. दे फील हाउ मच दे फील प्राउड
दे आर वेरी प्राउड, दैट्स फॉर श्योर, दे आर वेरी प्राउड. अभी रमज़ान गुजरा तो मैं कराची में क्रिकेट खेल के यानी कि फ्री हुआ तो फिर मैं लाहौर गया. तो वैसे ही जैसे मैं कभी पहले यानी कि जैसे यानी कि PSL खेलने से पहले या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से पहले जाता था रमज़ान में, यानी कि पूरी पूरी रात साथ बैठते थे, वैसे ही मैं अभी भी बैठता था, वही करता था. तो उनके साथ जैसे इनके कभी पहले था वैसे ही स्पेंड करता था. अभी इतना मुश्किल नहीं है. आई डोंट नो व्हेन आई प्ले फॉर पाकिस्तान, उसके बाद चीज़ें मुश्किल ऑब्वियसली हो जाती हैं, पर एट द मोमेंट आई एम डूइंग द सेम थिंग. बिल्कुल जी. आगा सलमान से हमारी बातचीत जारी है, ग्लोबल T20 के राइजिंग स्टार और लाहौर कलंदर के सुपरस्टार आगा सलमान हमारे साथ हैं. हम लेंगे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक. आप देख रहे हैं मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर दिलनशीन करेंगे स्ट्रेट ड्राइव एंड आई विल ट्राई टू मेक हिम क्लीन बॉल ऑन रैपिड फायर. स्टे ट्यून टू ई आवाज. वी आर ऑन द सेट अलॉन्ग विद आगा सलमान द पाकिस्तान प्राउड क्रिकेटर एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक जी. बिल्कुल हम इनके साथ खेलेंगे स्ट्रेट ड्राइव. और स्ट्रेट ड्राइव में सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट्स योर फेवरेट सिंगर? सिंगर मैं जो है ना सुफियाना बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं नुसरत फतेह खान साहब को बहुत सुना है. तो उनको कभी यानी कि सुन तो नहीं पाया, लेकिन इस तरह अभी काफ़ी सुनता हूँ. लेकिन अभी रिसेंटली अरिजीत और राहत फतेह अली खान. वेरी नाइस. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी, दैट्स हार्ड. आई थिंक भाग मिल्खा भाग. ओके. फेवरेट स्पॉट इन अमेरिका एंड कनाडा? मैं इतना खास घूमा नहीं हूँ जगह पे, लेकिन अभी नियाग्रा फॉल गया हूँ एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल. या इट इज. Favorite ground, Kalam Stadium. Best and favorite moment in your career? Best and favorite moment. Like 2 years ago, I scored 100 against Karachi in Karachi Stadium. We were chasing 177, and I scored 105 not out. In National Stadium. Yeah, and I hit 23 boundaries. Wow. So that was, I think, the best moment so far. And the winning against Karachi in PSL. Favorite food? Biryani. Lahore ki favorite dukaan? Kadhai. Unhone kaha to hai biryani. Nahi, apne kadhai ki dukaan. Kadhai ki favorite dukaan jahan jo aapki favorite. Aap branding kar rahe hain. Pat kadhai Lakshmi jo. Pat kadhai. Branding ho gayi ji bhai saab. Koi nahi, Vaseem bhai ne, Vaseem Akram ne jo hai bhaiye ke kebab ki branding ki. Aapko bhi pasand hai shayad. Bilkul bilkul pasand hai ji bhai saab. Aapka favorite destination? Favorite destination. Favorite destination? I have been to England, Canada, Dubai. Favorite? Probably Canada and probably England. And I wanted to go somewhere. I wanted to go to Rome in Italy. Historic, historic. Yeah. Yes. कभी कभी धोखा आपको हुआ? कभी एक जगह से दो मरतबा कभी धोखा खाया? आप जरा क्वेश्चन को जरा ना एग्जैक्ट तरीके से पूछिए ताकि आगा सलमान को समझ लगे. एक जगह से डराना नहीं चाहती. एक जगह से कभी दो मरतबा धोखा खाया? नहीं, मेरा कभी भी एक जगह से भी धोखा नहीं खाया, क्योंकि मेरी लव मैरिज है. तो मैंने when I got fell in love and I got married. वैसे रोम ना जाइएगा, रोम जाएंगे तो धोखा हो जाएगा. क्योंकि रोम की जो मैंने एक परसेप्शन ली थी, जब मैं रोम पहुंचा तो मैंने वो रोम वेनिस तो मेरा एकदम काया पलट गई. लेकिन इफ यू आर अ हिस्टोरिक गाय एंड लव द हिस्ट्री, यू विल लव लव द स्ट्रीट्स ऑफ वेनिस. लेकिन मुझे बड़ी मायूसी हुई, अगर आप दुबई के बाद जाएंगे दुबई का वेनिस देख के तो फिर बड़ी मायूसी होगी. तो उसको हम कहते हैं जी नकल असल से बेहतर. तो जी एग्जैक्टली. मोस्ट अननोइंग थिंग? Annoying thing. Well, my wife said I'm the annoyingest person she ever met. So I think मैं अगर annoying तो I don't have that. पर आगा भाई ये तो common pro ये तो हर wife के ये तो हर wife के I think annoyingest. I don't know because I am like I'm like मेरे से ज़्यादा annoying क्या होगा यार. So I don't know, probably like my wife labels my ears and nose. So that's probably annoying for me. Okay, your best habit? Habit? I'm an honest person. Like I don't like fake people. And really? Because I'm not fake.
So whatever in my heart comes out, and I'm not a fake person, and I think that's something is like in right. me. Oh, perfect. Yeah. What's your worst habit? Worst habit? Annoying person. Achha, I like to know it, to be honest. I like to know it. In the team, I have so many like new guys, obviously Canadian guy, and unke saath ab zara ho gayi hai. So I know them very much. Right. Really? And they like it because they are Punjabi as well. Yes. So from India, but they love it. So okay. I'm allowed to annoy people. Okay. And achha, which is not good. एक जगह से batting कर रहे हो तो when you feel complete कि जब आप देखो कि दूसरी जगह जो batting running end है उसपे who should be your dream partner at the other end? You feel complete. जब match फंसा हुआ हो जिस तरह लाहौर कलंदर का match फंसा हुआ था whom you want should be at the non-striking end? Virat Kohli. Virat Kohli. Wow. Wow. A bold answer था ये. I liked it. बिल्कुल जी जाने से पहले आगा सलमान से इजाजत लेने से पहले हम इनसे रैपिड फायर खेलेंगे और रैपिड फायर जो है उसमें हम वी विल ट्राई टू बोल्ड आगा सलमान लेकिन आई एम नॉट फ्रॉम द कराची किंग्स बट स्टिल आई विल बी ट्राई टू बोल्ड हिम बेस्ट बैट्समैन यू हैव एवर बोल्ड बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर बोल्ड Yunus Khan. Best bowler you have ever faced. Sunny Narai. Worst batsman you have ever faced. Worst batsman. जब अजहर भाई से और रजाक भाई से पूछा था तो उन्होंने कहा था मुरलीधरन. Yeah. The guy like in domestic cricket, Ahmed Bashir. Worst bowler you have ever faced. Worst bowler I've ever faced. That's tough. Worst bowler. I don't want to be mean to anyone, but worst bowler. The guy who just bowled. He was his off spinner. He bowled only one over, and the bowl last over. I can't remember. He scored 50 left-handed batsman in last game. Can't remember his name. Caribbean guy. Okay. Yeah. Imran Khan, Kapil Dev. Ian Botham, Sir Richard Hadlee, Aga Saab ki pick. Imran Khan. Imran Khan. If you have to face Michael Holding, Andy Roberts, Jewel Gardner, Malcolm Marshall, किससे बचना चाहिए? किसी को face करना नहीं चाहूँगा. किसी को नहीं face करना चाहेंगे. ये तो वैसे शाहिद खान अफरीदी ने भी यही कहा था. If you don't want to, you don't want to like. You don't want to kill yourself. You don't want to kill yourself. अगर आगा साहब क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? If I was not a cricketer, probably a street fighter. Your best roommate. Roommate, Razalila. Your worst roommate. Worst roommate. He's my very best friend, Umar Siddiq. Your favorite captain. Overall in the world. Baz Kalam. Your favorite Pakistan skipper. Probably Mohammad Hafiz. Shoaib Akhtar or Brett Lee. Shoaib Akhtar. Shoaib Akhtar. Face करना पड़े Shoaib Akhtar या Brett Lee. किसको छोड़ना चाहेंगे? Shoaib Akhtar को ही छोड़ दूँगा. ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर आपकी पिक स्टफ आई विल गो विद ब्रायन लारा ब्रायन लारा ब्रायन चार्ल्स लारा 400 नॉट आउट डेविड गोवर जावेद मियादाद सुनील गोवास्कर टेस्ट मैच के अंदर आगा सलमान की पिक ड्राफ्टिंग हो रही है सुनील गोस्कर ए बी डी विलियर्स कोरे एंडरसन शाहिद खान अफरीदी योर पिक कैन आई क्विट दिस क्वेश्चन ए बी डी विलियर्स ऑल द वे इट्स ए बी एवरी क्रिकेटर हैज टोल्ड ए बी टेक अ बॉल
एंड द लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में कब हराएगा? नेक्स्ट वर्ल्ड कप. कब फोड़ोगे यार? थैंक यू आगा सलमान. आगा भाई बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्रेशियस टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी टीम के लिए और मैच पॉइंट पाने के लिए. मैं आपका बहुत मशहूर हूँ एंड आई होप इन द लाइफ इन द फ्यूचर वी होप कि आपको बहुत जल्दी पाकिस्तान कैप मिले. एंड व्हेन ही विल बी गेटिंग द पाकिस्तान कैप, वेयर एवर ही विल बी, आई विल बी बैक टू हिम एंड आई विल रिमाइंड हिम ऑफ दिस पॉइंट, मैच पॉइंट. एंड ही विश एंड वी विश एंड वी एंड आवर टीम विश हिम गुड लक इन द फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल जी, देखते रहिए ई आवाज़ पे हमारा प्रोग्राम मैच पॉइंट. दोबारा आपको बता दूं कि यहाँ हमने क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर अदनान का फेवरेट प्लेयर, जो डॉक्टर दिलीशी ने पूछा था रेडियो के ऊपर भी और टेलीविजन पे भी, हु इज़ द फेवरेट प्लेयर इन दिस ग्लोबल T20, और आपको हिंट दिया था कि वो प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो खेल चुका है और वो हमारा मेहमान भी रह चुका है और पाकिस्तान सुपर लीग में जितवाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनका बहुत बड़ा किरदार है. अगर आप जानना चाहते इसका आंसर जानते हैं और आंसर देना चाहते हैं तो स्टे ट्यून टू ई आवाज़ और आपको मिलेगा गोल्ड पास फॉर द प्ले ऑफ्स ऑफ दिस ग्लोबल T20. देखते रहिए ई आवाज़. यहाँ से हम करेंगे साइन ऑफ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़. Been largely responsible for our demise. The first World Cup, that is Australia's joy, and England.